दोस्तों ये सब बात तो आप लोग जानते ही हैं कि कृषि कानून के विरोध में, कृषि कानून को वापस लेने में या एमएसपी का लिखित आश्वासन के लिए किसान सिंघू बॉर्डर सहित दिल्ली के सभी सीमाओं पर डटे हैं और यहाँ से न किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है, न इधर से किसी को अंदर आने दिया जा रहा है। और दोस्तों इस वक्त देश में पूरी तरह से तनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक वैसे ही एक अभी अब्दुल्ला मिल चुका है और वो अब्दुल्ला है टूटे जी, सॉरी थोड़ा जवान पिसल गया, टूटो जी हैं। और जब बड़े लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, बड़े लोग का जब नियत पिसल जाता है ना, तब उन्हें बताने वाले लोगों के, उनके बारे में चर्चाएं जब होती है तो उनका भी जवान पिसल ही जाता है। दोस्तों इस कैनेडियन प्रधानमंत्री को ये बात पता होना चाहिए कि भारत के अंदर जो भी आंदोलन हो रहा है वो भारत का आंतरिक मामला है और इस टाइप का आंदोलन अलग अलग जगह में अक्सर होते रहते हैं, खुद उनके देश में भी होते हैं। तो इसमें अपनी नाक घुसेड़ने से सबसे पहले उनको बचना चाहिए। जब नाक घुसेड़ ही दी है तो इस कैनेडियन प्रधानमंत्री को मैं बताना चाहता हूँ कि कैनेडा फसल उगाने में या कैनेडा कृषि के बहुत सारे कामों में विश्व में बहुत अग्रणी है। बहुत सारे खाद्य पदार्थों का प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और बहुत ज़्यादा निर्यात कनाडा से अलग अलग देशों में किया जाता है। बहुत सारी विदेशी कंपनियां, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो या गेहूं का प्रोडक्ट हो, बहुत सारे अलग अलग जो फसलें हैं उसको बड़ी बड़ी कंपनियां सीधे खरीदती है और कनाडा के जीडीपी में वहां के कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों अब मैं ये कहता हूं कि जो कनाडा के कृषि करने वाले होंगे वो क्या एक एक बोरा सर पर लेकर गेहूं ले लो बेचते होंगे? क्या कनाडा के डेयरी फार्म के जो मालिक हैं वो सुबह सुबह क्या साइकिल लेके सब जगह घूमते होंगे, दूध ले लो? या ये सब कंपनियों के आदमी, अलग अलग आदमी जाकर खेत के बाहर खड़े रहते होंगे, कहते होंगे भैया एक बोरा मुझे दे दो, और दूध लेने वाले बोलते होंगे भैया एक लीटर मेरे को दे लो? ऐसा तो नहीं होता होगा। फिक्स है कि जो जमीन के मालिक है या किसान है, जो भी जमीन का मेन, जिसके ऊपर पूरा का पूरा, जिसका मतलब पूरा जमीन पर अधिकार है, उसके द्वारा बड़ी बड़ी कंपनियों से एग्रीमेंट होता होगा कि आप फसल उगाइए और हम सीधे इतने रेट में लेंगे, हम सीधे किलो के भाव में लेंगे। तो दोस्तों ये बात तो कोई बच्चा ही बता देगा कि कनाडा में सेटलमेंट कृषि का होता ही है, क्योंकि सेटलमेंट हुए बिना इतना बड़ा कृषि प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट का संचालन कैसे हो सकता है? तो मतलब उनके देश में जब ये सेटलमेंट हो रहा था तो ठीक है, लेकिन भारत के देश में जब ये सेटलमेंट जब सरकार कर रही तो उनके लिए गलत हो रहा है और इसमें अपनी नाक घुसार देते हैं। और अगर आप गौर से सोचेंगे तो दो में से कोई एक ही बात होगा, या तो ये नहीं चाहते कि भारत के किसान इतना तरक्की करे और भारतीय किसानों को एक रॉयल्टी मिले, भारतीय किसानों को एक निश्चिंता मिले। तो इस बात को संसार के दूसरे बड़े देश के प्रधानमंत्री कुछ बताएंगे या नहीं बताएंगे, इस बात पर जा डिक्लेरेशन दे दे हो। और हाँ दोस्तों, उसके इस बयान पर आम आदमी पार्टी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से और बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बहुत कड़ा विरोध गया है। साफ साफ कहा गया है कि आप अपने तक ही रहिए, ये भारत का निजी मामला है, भारत ये सब जानता है। और हाँ दोस्तों, कनाडा का ये कोई पहला प्रधानमंत्री नहीं है जो भारत के बारे में बोला है, इसके पहले भी बहुत सारे कनाडा के प्रधानमंत्री भारत के बारे में बोल चुके हैं और उसके बाद ऐसा नहीं कि उन्हें छोड़ दिया गया है, उनका भी अच्छा से छिया लिदिर कर दिया गया, उनको भी उनका डोज मिला है। और सोचने वाली बात यह है कि जब हमसे कोई जले या हमसे कोई चिड़े, वो आदमी जिस चीज को लेकर बोल रहा है तो समझ लो उसमें बात कुछ ना कुछ जरूर है। अगर कनाडा का प्रधानमंत्री, जो भारत को थोड़ा सा भी डेवलप्ड होते नहीं देख सकता, वो अगर कृषि बिल के विरोध में कुछ बोल रहा है तो इसमें कुछ बात है। और इस बात को भारत का केवल सत्ताधारी दल ही नहीं समझता, भारत के विपक्षी दल भी समझते हैं। इसीलिए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कड़ा संकेत दे दिया गया कनाडा को कि आप अपने तक रहिए, अपने काम से मतलब रखिए, भारत में ज़्यादा इंटरफेयर मत कीजिए और ये भारत का आंतरिक मामला है और भारत इसे सुलझाना जानता है, आप अपना देखिए और अपना जो सबसे, जो आपके पड़ोसी जो देश है ना, जो सबसे बेहतरीन आपका जो देश है, जो जिससे आपको बहुत ज़्यादा बनता है, अमेरिका, यूएसए, आप वहाँ पर ध्यान दीजिए यार, वहाँ महीनों गुजर जाते हैं यार, चुनाव की गिनती ही नहीं ठीक से हो पाती। और दूसरी चीज़, जब चुनाव में कोई दूसरा आदमी जीत जाता है तो वहाँ पर उसको अब अपने पद से हटाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, सामने वाला अपने पद से हटेगा या नहीं हटेगा ये बोलना पड़ता है। तो यार बगल में ध्यान दीजिए यार, उस वहाँ बड़ा भारी संकट है, यहाँ हम लोग मेंटेन करना अपना संकट को जानते हैं। और दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस कैनेडियन प्रधानमंत्री को हमारे भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का अधिकार नहीं है, तो प्लीज़ एक लाइक ठोकिए ताकि हम सब में एकता दिखे और देश का मूड क्या है ये सब तक पहुँचे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याण और एक राष्ट्रवादी विचारों के साथ।